गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सनसनी रियल पैरेलल यूनिवर्स की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिससे सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 1978 के विलियम कैंटेलो नाम के एक अजीबोगरीब आदमी हुआ करते थे, जो कभी अजीबोगरीब इन्वेंशन के लिए जाने जाते थे। तो उन्होंने 1978 में ही एक रैपिड फायर गन का आविष्कार किया था। वो बहुत ही खुश थे अपने इस इन्वेंशन को लेकर। तो उन्होंने अपने इस इन्वेंशन को बेचने का सोचा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गन जरूर वेपन्स वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आएगा। और अगले ही दिन वो निकल गए अपने इस बेमिसाल इन्वेंशन को बेचने। और घर से निकलने से पहले अपने दो बेटों को बता कर गए थे कि वो इस गन को बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना लोकेशन नहीं बताया कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर जा रहे थे। और यही वो लास्ट टाइम था जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था, क्योंकि तब से लेकर आज तक उनका कोई भी पता नहीं चला। अब तो ये मिस्ट्री और भी ज़्यादा दिलचस्प होने लगी थी, क्योंकि इस घटना के 20 साल बाद हायरम मैक्सिम नाम के एक अमरीकी इन्वेंटर ने भी एक रैपिड फायर गन का आविष्कार किया था, और इस गन का नाम दिया था मैक्सिम गन। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये था कि मिस्टर मैक्सिम ऑलमोस्ट सेम टू सेम विलियम कैंटेलो जैसे ही दिखते थे। जब कैंटेलो के दो बेटे मिस्टर मैक्सिम से मिले तो वो बिल्कुल हैरान और दंग रह गए कि वो तो सेम टू सेम अपने पिता जैसे ही लग रहे थे। इस घटना के 10 साल बाद मिस्टर मैक्सिम ने अपने ऑटोबायोग्राफी पर मेंशन किया था कि उनके लाइफ टाइम में उन्होंने ये सवाल बहुत बार सुना था कि अरे, आप तो वो मशहूर साइंटिस्ट विलियम कैंटेलो हो ना। तो गाइस, आपको इस स्टोरी में बिलीव होता है क्या? और अगर होता भी है तो आपको क्या लगता होगा कि क्या कैंटेलो ही मिस्टर मैक्सिम है? और अगर है भी तो वो 20 साल ऐसे अलग परिचय में क्यों रहे, और उनके एज भी मतलब क्यों नहीं बढ़ी? सवाल बहुत सारे हैं जिनका जवाब शायद और सिर्फ मिस्टर कैंटेलो को ही पता होगा, या शायद मिस्टर मैक्सिम। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स पर ज़रूर डालिए। गाइस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, एंड कीप सपोर्टिंग अस। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे ये वीडियो देखने के लिए, और कीप सपोर्टिंग अस।